आज की इस वीडियो में हम कोरल ड्रॉ में कुछ इस तरह का 3D फ्लैग लोगो डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर दे रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है। इसका शॉर्टकट की F7 होता है। आप डायरेक्टली कीबोर्ड में F7 प्रेस करके भी इस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको अपने वर्क एरिया पर कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेना है। आपको कंट्रोल को होल्ड रखना और कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। देन पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है और आपको यूनिट्स मिलीमीटर सेलेक्ट करना है। आपको कहीं बाहर क्लिक करना है और यहाँ पर यूनिट्स, आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है और मिलीमीटर सेलेक्ट करना है। देन आपको इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको 200x200 कर लेना है, 200x200 ऑब्जेक्ट साइज। ओके, देन इंटर प्रेस करना है जिससे इसकी साइज 200x200 मिलीमीटर्स में हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। आपको न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करना है कीबोर्ड में जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड इसकी साइज आपको यहाँ से 175x70 करना है, कुछ इस तरीके से। देन इंटर प्रेस करना है। ओके, एंड उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से इसे प्रॉपर यहाँ पे एडजस्ट करना है, ऊपर में आपको टॉप में इस दोनों लाइन से मिलाते हुए। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आपको इस लाइन से अटैच रखना है दोनों साइड से। ओके, आप एरो की हेल्प से इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लें। एंड उसके बाद आपको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी नीचे में करना है। तो उसके लिए आपको फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करना होगा। इसका शॉर्टकट की F5 होता है। मैं कीबोर्ड में F5 प्रेस करूँगी जिससे हमारा फ्री हैंड टूल सिलेक्ट हो जाएगा। देन कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे ड्रैग कर लेना है। एंड उसके बाद आपको इस लाइन को सिलेक्ट रखना और शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना और एक बार आपको ई प्रेस करना है जिससे ये सेंटर में आ जाएगा। एंड उसके बाद आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना और शिफ्ट के साथ इस छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन आपको कुछ इस तरीके से कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखना है, माउस की कर्सर को यहाँ पर लाना है तो आपके सामने एक एरो शो होगा और आपको कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे कुछ इस तरीके से नीचे लाते हुए लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना है। तो इसका डुप्लीकेट कॉपी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में डिलीट बटन की हेल्प से इसे डिलीट कर देना है और इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है। इन दोनों को, इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपको प्रॉपर एडजस्ट करना है। इन दोनों लाइन यहाँ पर अटैच होना चाहिए। आपको इसे भी प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन यहाँ पर है ये एक दूसरे से एडजस्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अटैच होना चाहिए। ठीक है, आप एरो की हेल्प से इसे प्रॉपरली एडजस्ट कर लें, इस लाइन को अटैच कर लें। एंड इसके बाद आपको यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ये जो इंजेक्टिव फिल टूल है इसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना और यहाँ से स्मार्ट फिल टूल को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको बाई डिफॉल्ट कलर को इस में फिल करना है, इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर फिल कर देना है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो अटैच होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, नहीं तो ये कलर अच्छे से फिल नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये लाइन अच्छे से अटैच होना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में डिलीट बटन की हेल्प से इसे डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट हो जाएगा। देन आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ इस ये जो ऊपर में है सर्कल इसे भी सिलेक्ट कर लेना है शिफ्ट के साथ। तो ये दोनों सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको बेल्ड ऑप्शन का यूज करना है। ऊपर में ये जो बेल्ड का ऑप्शन है आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। तो ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आपको इसमें कलर को फिल कर देना है। मैं यहाँ से ऑरेंज कलर को फिल कर देती हूँ। एंड इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना और इसमें मैं ग्रीन कलर को फिल कर देती हूँ। एंड उसके बाद आपको इस बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस तरीके से बाहर लाना है और राइट क्लिक कर देना है लेफ्ट छोड़ने से पहले। तो इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। इस बड़े वाले सर्कल का आपको कुछ इस तरीके से एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है। अब इसकी साइज 100x100 देना है आपको।
और फिर से आपको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करना है। मैं कीबोर्ड में F4 प्रेस करूँगी जिससे हमारा ये जो पेज है वो फोकस हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट फोकस हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इसका एक डुप्लीकेट कॉपी करना है। आपको न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करना है तो इसका डुप्लीकेट कॉपी होगा। इसकी साइज 95x95 कर देना है। देन कीबोर्ड में आपको इंटर प्रेस करना है। उसके बाद आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर बैक माइनस फ्रंट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन आपको अगेन इलिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना और कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेना है। देन शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेना और कीबोर्ड में एक बार सी प्रेस करना है, एक बार टी प्रेस करना है जिससे ये प्रॉपर तरीके से सेंटर टॉप में एडजस्ट हो जाएगा। देन आपको इस छोटे वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना और इसका डुप्लीकेट कॉपी करना, आपको कुछ इस तरीके से लाना है। लेफ्ट माउस में लेफ्ट प्रेस करते हुए एंड राइट क्लिक कर देना है लेफ्ट क्लिक छोड़ने से पहले, जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको शिफ्ट को होल्ड रखते हुए इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन आपको शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, एक बार सी प्रेस करना है, एक बार ई प्रेस करना है जिससे ये प्रॉपर सेंटर में सेट हो जाएगा। देन आपको इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, इस पर एक बार और क्लिक करना है तो जो सेंटर पॉइंट है इसको पकड़कर कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेंटर में आपको रखना है, इस सर्कल के सेंटर में आपको प्रॉपरली यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। देन आपको ट्रांसफॉर्म विंडो को ओपन करना है तो उसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस F7 होता है। जब आप कीबोर्ड में अल्ट के साथ F7 प्रेस करोगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्म का विंडो है वो ओपन हो जाएगा, या फिर आपको सिंपली यहाँ पर विंडो में जाना है, जो विंडो मेन्यू है आपको विंडो मेन्यू में जाना है। देन यहाँ पर डॉकर्स ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F7, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही यहाँ पर ये राइट साइड में ओपन हो जाएगा, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आपको एंगल 15 डिग्री करना है, आपको एंगल 15 यहाँ पर और कॉपीज़ में आपको 23 यहाँ पर कॉपीज़ कर लेना है। देन अप्लाई इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको ये जो सेंटर में सर्कल है इसे सिलेक्ट करना है और बाहर रखना है। देन आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये जो बेल्ड का ऑप्शन है इस ऑप्शन का आपको यूज़ करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरीके से वेल्ड हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देन आपको इसमें कलर को फिल करना है, मैं यहाँ से ब्लू कलर को फिल करूँगी, इस पर आपको एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है जिससे ये कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा। देन आपको शिफ्ट के साथ इस सर्कल को भी सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में एक बार सी प्रेस करना है, एक बार ई प्रेस करना है जिससे ये प्रॉपर सेंटर में सेट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेना है, इसका शॉर्टकट की F5 होता है। आप डायरेक्टली कीबोर्ड में F5 प्रेस करके भी फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ये छोटे वाले सर्कल के सेंटर से आपको कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग कर लेना है, आपको क्लिक करना है एक बार और कीबोर्ड में आपको कंट्रोल को होल्ड रखना है और ऊपर कुछ इस तरीके से लाते हुए एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसे ये हमारा लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और आपको यहाँ पर भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है छोटा सा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोटा सा लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देन पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको शिफ्ट के साथ इस लाइन को भी सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड में एक बार सी प्रेस करना है, एक बार ई प्रेस करना है जिससे ये सेंटर में सेट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ से आउटलाइन, मैं थोड़ा आउटलाइन विड्थ 1.5 पीटी कर लेती हूँ, ठीक है। देन आपको इस बड़े वाले लाइन को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ये जो स्ट्रेट लाइन है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये जो बड़ा वाला है। देन ऑब्जेक्ट मेन्यू में आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, जिससे ये जो हमारा आउटलाइन है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको शेप टूल को सिलेक्ट कर लेना है, इसका शॉर्टकट की F10 होता है। आप कीबोर्ड में डायरेक्टली F10 प्रेस करके भी शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन था ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर माउस का लेफ्ट बटन दो बार लगातार क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से इसे पकड़कर यहाँ पर लाना है। देन यहाँ पर भी आपको दो बार कुछ इस तरीके से क्लिक करना और यहाँ पर आपको लाते हुए इसे इस नोड पर रख देना है। इसके बाद आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर इस ऑब्जेक्ट पर एक बार और क्लिक करना है और इसे ये जो सेंटर पॉइंट है इसे कुछ इस तरीके से सेंटर में लाना है। ये जो सर्कल है इसके सेंटर में इस नोड के ऊपर आपको रख देना है, ठीक है। देन आपको कीबोर्ड में अल्ट के साथ F7 प्रेस करना है जिससे हमारा ट्रांसफॉर्म का यहाँ पर विंडो ओपन होगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं हमारा ट्रांसफॉर्म का विंडो ओपन हो चुका है। इसे भी आपको रोटेट करना है, 15 डिग्री एंगल लेना और कॉपीज 23, देन अप्लाई। तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा एंड उसके बाद आपको इन सभी को सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से बिल्ड ऑप्शन का यूज करना है। आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है जिससे ये कुछ इस तरीके से वेल्ड हो जाएगा। देन आपको इस सर्कल का डुप्लीकेट कॉपी कर लेना है, लेफ्ट क्लिक करते हुए आपको बाहर की ओर लाना और लेफ्ट छोड़ने से पहले राइट क्लिक कर देना है जिससे इसका डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको इसमें कलर को फिल कर देना है। मैं यहाँ से 10% ब्लैक इस कलर को फिल करूँगी और आपको कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करना है जिससे हमारा ये जो अशोक चक्र है वो ऊपर आ जाएगा। देन आप मैं कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ F4 प्रेस करूँगी जिससे हमारा जो एक्चुअल पेज था वो आ जाएगा। अब आपको इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, एक बार शी प्रेस करना है कीबोर्ड में, एक बार ई प्रेस करना है जिससे ये जो हमारा अशोक चक्र है वो बिल्कुल सेंटर में सेट हो जाएगा। देन आपको दोनों को सिलेक्ट करते हुए एक बार और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करना है। देन शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले सर्कल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में अगेन एक बार सी प्रेस करना है और एक बार ई प्रेस करना है एंड उसके बाद आपको बाहर कहीं क्लिक करना है। देन इस बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट्स मेनू है इसमें जाना है। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लेंस, जिसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस F3 होता है। आपको इस पर क्लिक करना है जिससे राइट साइड में ये लेंस का एक विंडो ओपन होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नो लेंस इफेक्ट। इस ड्रॉप डाउन एरो पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से फिश आई इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा जूम इन हो जाएगा, जो आपका अशोक चक्र था वो देख सकते हैं आप, थोड़ा जूम इन हो चुका है। अब मैं इसे क्लोज करूँगी, ये जो हमारा विंडो है मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। देन आपको बाहर क्लिक करना है और उसके बाद इस अशोक चक्र को आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, केवल इसे ही सिलेक्ट करना है और इस एरो की हेल्प से इसकी साइज को थोड़ा छोटा करना है। ये अब 3D जैसा शो हो रहा है, अब आपको इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप एरो की हेल्प से इसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड इतना कर लेने के बाद आपको फिर से लिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। देन इसकी साइज 200x200 कर लेना है। देन आपको यहाँ से शैडो टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे ड्रैग करना है। तो ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये लाइन है, तो आपको यहाँ पर ये जो फिटिंग डायरेक्शन है इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना और यहाँ से आपको आउटसाइड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जिससे ही ऐसा शो होगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो शैडो फिटिंग है यहाँ पर आपको 20 कर देना है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, ये जो शैडो ऑपेसिटी है यहाँ पर आपको 30 करना है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको 30 कर देना है कुछ इस तरीके से। देन इंटर प्रेस करना है। अब उसके बाद आपको कहीं बाहर क्लिक करना है, देन इस शैडो के ऊपर एक बार राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस K होता है, ओके। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी जिससे क्या होगा, ये हम ब्रेक हो जाएगा, ये सर्कल अलग हो जाएगा और ये जो शैडो है वो अलग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करते हुए इसे कुछ इस तरीके से इस सर्कल के ऊपर लाना है और छोड़ देना है। आपको राइट क्लिक करते हुए लाना है, ठीक है,
ध्यान रखना आपको लेफ्ट क्लिक नहीं करना है, राइट क्लिक करते हुए लाना और छोड़ देना है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ से आपको पावर क्लिक इनसाइड इस ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। ओके, एंड देन आपको शिफ्ट के साथ इस बड़े वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में एक बार सी प्रेस करना है, एक बार ई प्रेस करना है, तो ये प्रॉपर एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। देन अगेन आपको इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल को होल्ड रखते हुए इसे कुछ इस तरीके से ड्रैग कर लेना है, इसकी साइज 200x200 करना है, देन इंटर प्रेस करना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक कलर को फिल करना है, मैं यहाँ से वाइट कलर को फिल कर देती हूँ। आपको वाइट कलर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना है जैसे ये फिल हो जाएगा, बट यहाँ पर पता नहीं चल रहा है क्योंकि हमारा जो पेज का कलर है वो भी वाइट है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, रिक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी और कुछ इस तरीके से एक रिक्टेंगल को ड्रॉ करूँगी। देन इसमें भी मैं कलर को फिल करूँगी, मैं यहाँ से पिंक कलर को फिल कर दे रही हूँ। उसके बाद आपको पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करना है, जिससे आपका जो सर्कल है वो ऊपर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको कहीं बाहर क्लिक करना और इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है। देन ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आपको इस पर क्लिक करना और कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करना है। देन इस ऊपर वाले बॉक्स में ब्लैक कलर को आपको फिल करना है, इस बॉक्स पर एक बार क्लिक करना है और इस ब्लैक वाले कलर पर आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो ये फिल हो जाएगा। और इस नीचे वाले बॉक्स में वाइट कलर को मैं फिल करूँगी कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको यहाँ से एलिप्टिकल फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन यहाँ पर आपको इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ये जो ब्लैक है इसको सिलेक्ट करना और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी 100% करना है, 100, देन इंटर। अब आपको इसे प्रॉपर एडजस्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। देन पिक टूल को सिलेक्ट कर लेना और शिफ्ट के साथ आपको इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, बड़े वाले सर्कल को एक बार सी प्रेस करना है, तो ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। देन आपको इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। अगेन आपको ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और इसे प्रॉपर एडजस्ट करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन आपको इन सभी को सिलेक्ट कर लेना और कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करते हुए इसे ग्रुप करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करोगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। और अब मैं इसकी आउटलाइन रिमूव करूँगी, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो क्रॉस मार्क है यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना होगा, तो इसका जो आउटलाइन है वो रिमूव हो जाएगा। एंड देन इसका एक शैडो क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको शैडो टूल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा और कुछ इस तरीके से ड्रैग करते हुए एक शैडो क्रिएट करना है आपको। तो ये एक शैडो क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से एक शैडो क्रिएट करना है, तो ये हो चुका है। देन आपको यहाँ पर ये जो ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे मैं 30 करूँगी और यहाँ पे मैं 20 करूँगी, देन इंटर। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब आपको इसे प्रॉपर एडजस्ट करना है, देन पिक टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस शैडो के ऊपर एक बार राइट क्लिक करना है, शैडो के ऊपर आपको एक बार राइट क्लिक करना है और यहाँ से ब्रेक ड्रॉप शैडो अपार्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर से आपको कहीं बाहर क्लिक करके शैडो के ऊपर क्लिक करना है और कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करना है। ओके, देन आपको इन दोनों को सिलेक्ट करके कीबोर्ड में कंट्रोल जी प्रेस करना है, जिससे ये ग्रुप हो जाएगा। अब मैं कीबोर्ड में F4 प्रेस करूँगी जिससे ये फोकस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये फाइनली हमारा 3D फ्लैग डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से कोरल ड्रॉ में कुछ इस तरह का 3D फ्लैग लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं।